हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइगर रॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से वन हैंड पुशअप्स, एक हाथ से आप पुशअप कैसे करें। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ थ्री टाइप्स ऑफ पीपल परफॉर्मिंग वन हैंड पुशअप्स। ठीक है, सो दोस्तों शुरू करते हैं प्रोग्रेस की ओर। सो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल पुशअप पोजिशन में आना है और अपने लेग्स को थोड़ा खोल अपना ओपन कर लेना है, और अपना राइट हैंड या फिर लेफ्ट से अगर आप करना चाहते हैं तो लेफ्ट, मैं राइट को ज़्यादा करता हूँ तो ठीक है। तो अपना राइट हैंड एकदम सेंटर में रख लेना है और लेफ्ट हैंड यहाँ से हटाने की कोशिश करनी है, एकदम से नहीं हटेगा, यहाँ से गिर भी सकते हो, बैलेंस बिगड़ सकता है, बट यहाँ से ये हटाने की कोशिश करनी है। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हट जाएगा इसे यहाँ ऊपर रख देना है, और इस पोजीशन में जितना ज़्यादा होल्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा होल्ड करना है। गलती क्या करनी है, करते हैं सब यहाँ पे, ये अपने शोल्डर्स को टर्न कर लेते हैं, जो नहीं करनी है यहाँ शोल्डर्स यहाँ पे रखने एकदम, और इस पोजीशन में जितनी ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हो उतनी ज़्यादा देर होल्ड करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेस की ओर। जब आप इसे अच्छे से करने लग जाओ आपको क्या करना है, यहाँ इस पोजीशन में होल्ड करना है और यहाँ पे हाथ रखना है सिंपल, और एल्बो थोड़ा बाहर की ओर, इसे एल्बो को थोड़ा बाहर की ओर प्रेस करना है और सिंपल आधा जाना है, हाफ जाना है। ठीक है, इसके आपको 4 से 5 बार ऐसे रिपीटेशन कर लेने हैं। जब आप इस पे इजीली करने लग जाओ, यानी ये इसलिए बताया कि एल्बो की मूवमेंट आप समझ जाओ, इसलिए ये मैंने ये वाला मूवमेंट आपको बताया। इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आओ। इसके बाद किसी भी तरह का कोई चेयर हो जाएगी या फिर कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म हो जाएगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, वही पोजिशन आपको बना लेनी है, हैंड सेंटर में और लेग्स ओपन और ये इधर, और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। थोड़ा शुरू शुरू में हार्ड लगेगा, बट क्या बहुत इजीली आप कर पाओगे अगर आपको अच्छे से करना डेडिकेशन के साथ करते हो। तो क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में फिर से बता देता हूँ, सेंटर में हाथ रख के हाथ पीछे और एल्बो साइड की ओर निकालनी है। जब आप यहाँ पे करने के लिए कंफर्टेबल हो जाओ तब आप इसे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को अपना डिक्रीज कर सकते हो। अभी आपने इतने ऊपर से किया था, आप थोड़ा नीचे ले आओ, लेग्स ओपन, और अगर बैलेंस नहीं बन पाता तो आप लेग्स को और ज़्यादा भी ओपन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप थोड़ा और नीचे ले आए, अब यहाँ परफॉर्म करना है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाओ उसको अपने एलिवेटेड प्लेटफॉर्म को आपको डिक्रीज करते जाना है। धीरे धीरे आप इन्हें यहाँ पे परफॉर्म किया, उसके बाद आप सिंपल फ्लैट प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे। देख लीजिएगा एक बार कैसे, सिंपल वही ट्रिक, हाथ सेंटर में, शोल्डर्स नीचे एकदम लेवल में, एंड यहाँ पे जाना है एल्बो बाहर की ओर। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप लेग्स को ज़्यादा खोल भी सकते हो, और जैसे जैसे आप मास्टर करते जाते हो इसमें लेग्स को कम भी कर सकते हो। सो गाइस, ये था आपका पुशअप का ट्यूटोरियल, वन हैंड पुशअप का ट्यूटोरियल, कैसे इसे करना है इजीली, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया आपको, आप ज़रूर ट्राई करना। अब मैं आपको बताता हूँ थ्री टाइप्स ऑफ पुशअप्स परफॉर्मिंग वन हैंड, इन वन हैंड क्या करते हैं लोग, मतलब किस किस तरह से वन हैंड पुशअप को लगाते हैं, मतलब वो मैंने फील किया पहले मैं कैसे लगाता था, अब मैं कैसे लगाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, नंबर वन क्या करते हैं लोग, और मैं भी पहले कैसे करता था,
क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ रख लेंगे और ये लेग इधर चला जाएगा और फिर ये इस तरह से, ये था आपका फर्स्ट टाइप। ये थोड़ा इजी लगता है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब इसका सेकंड टाइप क्या है, जैसे मैंने आपको ट्यूटोरियल में करके बताया, ये थोड़ा मास्टर्स लोग भी करते हैं या फिर ये थोड़ा प्रो के लिए भी होता है। अब सेकंड स्टेप है सिंपल लेग, हाथ सेंटर में और लेग्स ज़्यादा नहीं खुले हुए, नॉर्मल खुले हुए, यहाँ पे इसे परफॉर्म करते हैं। एल्बो साइड में जाता है, ये था आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप मैं आपको बताता हूँ, थर्ड कैसे परफॉर्म करते हैं वो काफ़ी प्रो लोग होते हैं, मैंने भी काफ़ी दिनों में इसकी ट्रेनिंग की है, बहुत ही शानदार ये लगता है मुझे। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, कम ऑन। थर्ड टाइप है द क्लीनेस्ट वन आर्म पुशअप्स। वो क्लीनेस्ट क्यों बोला गया मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। अब नॉर्मल वे में क्या करते हैं, लेग्स को सेपरेट करके, लेग्स को ओपन करके हम करते हैं, बट इसमें क्या होता है, लेग्स को ओपन नहीं करते, सिंपल यहाँ रखते हैं और हाथ को भी सेंटर में नहीं रखते हैं और देन इसे हम परफॉर्म करते हैं। बहुत ही पेनफुल और बहुत ही पावर लगती है इसमें, एक ही करने में हालत ख़राब हो जाती है। एक बार और बता देता हूँ, ट्राई करता हूँ होगा तो। सो गाइस, ये था आपका पुशअप ट्यूटोरियल और थ्री टाइप्स ऑफ वन आर्म पुशअप, और जो लास्ट वाला बहुत ही लीजेंड के लिए है और बहुत ही खतरनाक है, जो कर लेता है कंप्लीट, पहले तो ट्यूटोरियल देख के कंप्लीट कर लेता है अपना वन आर्म, और जो क्लीनेस्ट वन आर्म तक पहुंच जाता है और वो या फिर वो पहले से प्रो है वो परफॉर्म कर लेता है इजीली। तो हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का, मुझे वहाँ पर टैग करना है, मैं उसे शेयर करूँगा सबके साथ, स्टोरी एंड ऑल पर लगाऊँगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में बताओ कि कौन सी वीडियो लाऊं, वो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना सबके साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम जुनून के साथ, वंडरफुल नॉलेज के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, जय हिंद।